भिवंडी शहर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मध्यवर्ती कार्यालय का उद्घाटन आज अशोक नगर में मनसे पार्टी के प्रमुख राज ठाकरे के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में ठाणे पालघर जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव, अभिजीत पानसे, भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष मनोज गुलवी, प्रदेश उपाध्यक्ष डीके मात्रे, मनसे विद्यार्थी सेना अध्यक्ष संतोष सालवी, परेश चौधरी, वनिता शिंदे आदि मान्यवर उपस्थित थे। बता दें कि कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। वहीं पर मनसे शहर अध्यक्ष मनोज गुलवी ने राज साहेब ठाकरे का भिवंडी में आगमन होने से कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है, जिसके कारण आने वाले मनपा चुनाव में मनसे अपना सत्ता स्थापित करेगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष सन्माननीय श्री राजसाहेब ठाकरे, प्रदेश उपाध्यक्ष डीके मात्रे साहब, अविनाश जाधव साहब, इनके सबके आशीर्वाद से आज यहाँ पे महाराष्ट्र नवनिर्माण मध्यवर्ती कार्यालय भिवंडी का ओपनिंग हुआ है। बहुत से भिवंडी में समस्या है, उस हिसाब से लोग हमको इधर मिल रहे थे, उधर मिल रहे थे, मिलने के लिए जगह नहीं थी मनसे के लिए, इसलिए यहाँ पे मनसे का कार्यालय का ओपनिंग किया है। और आज के इतने बड़े प्रोग्राम के ऊपर हमको थोड़ा सा विश्वास हो रहा है कि हम आगे के महानगर पालिका के अंदर हमारे नगर सेवक चुन के आएंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भिवंडी शहर के हम लोग जो मनसैनिक है, आज राज साहब के इधर आने की वजह से हम लोग खुद को भाग्यवान समझते हैं, क्योंकि आज तक ये पहला मध्यवर्ती कार्यालय हो रहा है और उम्मीद करते हैं एक मनसे का एक न्यायालय है और इधर लोगों के समस्या का हल निवारण, जितनी भी समस्या आएंगी उतनी हम निवारण करने की कोशिश। मनसे का भिवंडी में अभी बहुत बोलबाला चालू है, क्योंकि आंदोलन रहने दो, मोर्चे रहने दो, स्टोरेंट का विषय रहने दो, लोगों की जो अभी समस्या है वो सब समस्या को लेके मनसे ने एक कदम आगे उठाया है।